जिस पे फैसला होके रहेगा कि इंग्लैंड चैंपियन बनता है कि वेस्ट इंडीज। क्या लेंथ बॉल होगा, क्या छक्का होगा, लेंथ बॉल, मजा हो गया। क्या कहा आपको जी सो, ऐसा ही कहा आपने, लेंथ बॉल होगा, टैंपर था, फ्लिक किया, 6 रन मिले। मैच एक नाजुक स्थिति में पहुंचता हुआ यहां पर। चलिए, कहानी तो ये है कि अगर आप दिल के थोड़े से कमजोर हैं तो इस मुकाबले को थोड़ा सा ध्यान से देखें, किसी को साथ रख के देखें, क्योंकि इस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न हर मोड़ पर। बैक स्ट्रोक को आगे तेज भागना होगा, आखिरी ओवर है, जिंगर लिली भाग सकते, तेज आना होगा। अच्छा यॉर्कर आसम के बाहर, जी हाँ, दूसरा शॉट, कहां जाएगा बॉल, बात का मैच अभी खत्म नहीं हुआ, नीचे 7 रन 4 में भी रूप। जी हाँ, आप सुबह से इंग्लैंड को जिताने में लगे हुए हैं, लेकिन इस समय वेस्ट इंडीज बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए हैं। इंतजार कीजिए अपने बोलने का शोएब, अभी फिलहाल वेस्ट इंडीज के बल्ले से 2 छक्के निकले हैं। मैंने आपसे कहा था कि बैक स्ट्रोक वो बॉलर जिन पे लग सकती है इटे ओवर शुरू से पहले, ये लेंथ बॉल करेंगे और ये थके हुए हैं, एक्शन पूरा नहीं आ रहा। यहाँ पे लगानी है जान, यहाँ पे लगाना है जोर से, लेकिन अगर इंग्लैंड यहाँ से हारता है तो जीता जिताया मैच अपने हाथ से दिया है। थैंक यू वेरी मच कार्लोस ब्रैथवेट, जरा एक बार अपनी आप होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि इन्होंने ही छक्का लगाकर साउथ अफ्रीका को बाहर का रास्ता दिखाया था। याद कीजिए वो रबाडा की गेंद, और यहाँ पर 2 गेंदों पे 2 छक्के, किसने सोचा था 21 रन चाहिए थे अभी। जी हाँ, अभी भी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, ये देखिए एक और छक्का हो सकता है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, 3 गेंदों पर 3 छक्के। वेस्ट इंडीज के इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ करें उतनी कम, ऐसे मौकों पर खड़ा उतरना बहुत मुश्किल होता है शोएब। वेस्ट इंडीज की टीम ऑलरेडी अंदर भाग चुकी है, नहीं भागना, 1 रन रहता है, क्या हुआ, नहीं भागना, राम जी कहां जा रहे हो, क्या शॉट खेल गए, कहां छुप के रहे थे भाई आप। इनकी जो डांस इंडिया डांस की प्रैक्टिस थी शायद काम आएगी अब इस 1 रन के बाद। शोएब अंपायर फैसला कर रहे हैं कि भाई रन पूरे हो गए कि नहीं हुए, और वो कह रहे नहीं नहीं 1 रन रहता है अभी, 1 रन रहता है, कहीं जाएगा मत, इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप अपने हाथों से गंवाता हुआ। हटो बचो, वेस्ट इंडीज आई, प्यार हो जाए, ये पहला छक्का, लेंथ बॉल, फिर आ जाओ लेंथ बॉल, अगर ये कोटला होता आकाश, अगर ये कोटला होता तो ये छक्के नहीं होते, क्योंकि हमने देखा है वहां पर बॉल लो रहती है और बैट के नीचे हुई गिरी गेंद बॉटम पे लगती है और छक्के नहीं होते वहां। शोएब, और मैं हेल्प में रह गया हूँ, आखिरी ओवर कर रहे हैं बेन स्टोक, जान से क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर निकालना है ताकि बल्ले पे आके बॉल लगे और फुल टॉस बेशक हो जाए, लेकिन हो यॉर्कर या फुल टॉस, लेकिन अब आखिरी बॉल, आपकी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। इंग्लैंड ये मैच जीता हुआ मैच हार गया है, गवा दिया ये मैच, और यहाँ पर बॉल शायद वापस नहीं आया है, अंपायर दूसरा बॉल लेते हुए, और ये वेस्ट इंडीज की वुमेन्स टीम जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था वुमेन्स का, और साथ किया था मेंस टीम में डांस, अब अगर मेंस टीम जीती नीचे उतर के उनके साथ करेंगे डांस, अब आएगा 1 घंटे का सेशन का मजा। जी हाँ, अगर हो सके तो वेस्ट इंडीज से अंडर 19 की टीम को भी बुला लिया जाए यहाँ पर डांस करने के लिए, वो भी बेहतर डांस कर रहे थे वर्ल्ड कप जीतने के बाद। 2016 याद रखा जाए, ये वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाला साल है, अंडर 19 जीते, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती, और अब 1 रन बाकी है। वीरू, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर चीखे मार सकते हो, 1 रन बाकी है, हमने देखा था बांग्लादेश ऐसे ही हारा था, लेकिन वेस्ट इंडीज नहीं हारा, 4 गेंदों पर 4 छक्के, जबरदस्त छक्के, जितनी तारीफ करें वेस्ट इंडीज के इस बल्लेबाज की, ब्रेथवेट की उतनी कम, और एक बार इतिहास रच दिया यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने, दूसरा विश्व कप जीता है ईडन गार्डन के इस ऐतिहासिक मैदान पर। ये क्या हो गया, बेस्ट तो घबराइए मत, और भी मौके जिंदगी में आएंगे, ये लीजिए ब्रेथवेट ने पूरा वेट उतार दिया वेस्ट इंडीज की टीम से, ये लीजिए, वाह, मजा लीजिए, इन दृश्यों को देखकर ही मजा आ रहा है।
सभी दर्शक यहाँ पर वेस्ट इंडीज की खुशी में शामिल हो रहे हैं। देखिए किस प्रकार वेस्ट इंडीज के जितने भी खिलाड़ी हैं डांस कर रहे हैं। सैमुअल को सबने घेरा हुआ है, ब्रेट वेस्ट ने घेरा हुआ, ब्रेट वेस्ट को सबने घेरा हुआ है, कपड़े उतार रहे हैं, यहाँ पर डांस कर रहे हैं। 2016 विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज मार्लन सैमुअल्स टेक अ बाउ। 2012 के विश्व कप के फाइनल में भी इन्होंने रन बनाए थे और यहाँ पर भी वही नाबाद है। और ये देखिए जलसा, ये देखिए सेलिब्रेशन। इस टीम को जीतना आता है, इस जीत टीम को पार्टी करना आता है। चौथा विश्व टाइटल, 1975 का वर्ल्ड कप, 1979 का वर्ल्ड कप, 2012 का वर्ल्ड T20, 2016 का वर्ल्ड T20। ये खिलाड़ी बहुत दिनों तक भूल नहीं पाएगा इन चार गेंदों को। चार गेंदे, चार छक्के, लेकिन कार्लोस ब्रैथवे कमाल कर दिया आपने। और किस दबाव में आपने यहां पर चार छक्के लगाए हैं, खेल बदल दिया। ये चार गेंदे ये आपकी पहचान बन जाएंगे आपकी आने वाली क्रिकेट करियर में, अगले 20 साल तक याद रखी जाएंगी ये चार गेंदे। किस तरह से लगाए थे चार छक्के, टीम जीत चुकी है। 2016 वेस्ट इंडीज का साथ, विश्व विजेता वेस्ट इंडीज।